हमेशा ये पागलपन भी बहुत ज्यादा करते हैं। बाल वाल सब बहुत जोर से उड़ रहे हैं प्रियंका। मैं अपने गले वाले को ना निकाल दी, बहुत टाइट लग रहा था। मम्मी बोली तुमको पूरा अच्छा गेटअप है, मेकअप करने वाली है मम्मी और बाहर जाएंगे। हे व्हाट्सअप ब्यूटी फैमिली, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सो कल था रक्षाबंधन, अभी तो उसका व्लॉग एडिट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। होपफुली कल परसों तक वो व्लॉग आ जाएगा, तो वैसे तो आप लोग देख ले होंगे जब तक ये वाला व्लॉग जाएगा। सो आज मैं जा रही हूँ इंडिपेंडेंस डे का फोटो शूट करने के लिए। फूड वगैरह सब रेडी हो चुका है, मेकअप करने वाली है मम्मी और बाहर जाएंगे हम फोटो शूट वगैरह करने। तीन चार रील्स वगैरह बनाएंगे तो सारी चीज आपके साथ शेयर करेंगे। लाइक कह सकते हैं कि ये व्लॉग बिहाइंड द सीन होने वाला है। ये रहा आउटफिट, रेडी हो चुका है, तो चलो इसे पहले पहन लेती हूँ, उसके बाद मम्मा मेरा मेकअप करेंगी। सो यहाँ पे दीदी का मेकअप स्टार्ट हो चुका है एंड ऑब्वियसली हमारी मेकअप आर्टिस्ट मम्मा। सो बेस तो दीदी ने खुद से ही लगा लिया था फाउंडेशन, तो मम्मा ने कहा कि फाउंडेशन आप खुद से लगा लो, आई मेकअप मैं खुद कर दूंगी, बिकॉज मम्मा स्पेशलिस्ट है आई मेकअप में, इसलिए। फाइनली मेकअप हो चुका है और आई मेकअप ना मम्मी ने बहुत ने बहुत ज्यादा अच्छा किया है। सो बस ये चोकर वगैरह पहनना है और यहाँ पे मम्मी ने ना ये देखो चूड़ी का भी सेट लगा के रख दिया है। सो चलो पहले मैं चोकर पहन लेती हूँ, उसके बाद चूड़ी वगैरह पहन के और मैं समझो रेडी हो चुकी, छोटे छोटे एक्सेसरीज पहनना बाकी है बस। फाइनली रेडी हो चुकी हूँ, चूड़ी वगैरह सब पहन लिया है। कैसी लग रही हूँ पूरा लुक मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ। वैसे तो आई मेकअप ना सच बताऊँ मुझे बहुत अच्छा लगा और ये कलरफुल चोकर भी पहना है, तो अब आप लोगों को दिखाती हूँ पूरा आउटफिट, उसके बाद फिर चलते हैं बाहर फोटोशूट करने के लिए। अभी वैसे तो बारिश शुरू का है, बस यही प्रे है कि फोटोशूट अच्छे तरीके से हो जाए, उसके बाद जितना बरस ना उतना बरसो, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो पूरा अच्छा गेटअप है, तो पूरा मेकअप तो मुझे मेरी मम्मा ने ही किया है, तो सारा क्रेडिट मम्मी को ही जाएगा। थैंक यू मम्मी, कैसी लग रही है कमेंट में बताना, ये तो बनता है कि कमेंट में जरूर बताना कैसी लग रही हूँ। पहुंच चुके हैं हम लोग गार्डन, नजारा देखो कितना मस्त लग रहा है। मैं अपने गले वाले को ना निकाल दी, मुझे बहुत टाइट लग रहा था। मम्मी बोली चलो वहाँ चल के पहन लेना, उसके बाद फिर फटाफट फोटो वगैरह खींच लेंगे। और हवा भी इतना मस्त आ रहा है कि अपना जो फ्लैग है ना बहुत अच्छे तरीके से हवा में से उड़ेगा, कि फोटोज वगैरह भी बहुत अच्छे आएंगे ना। हाँ तो चलो बस ये बाग इतना मस्त, हवा चल रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है। ये देखो बाल वाल सब बहुत जोरों से उड़ रहे हैं प्रियंका। दादी यार ये देखो कितना मस्त लग रहा है हिंदुस्तान का झंडा, और यहाँ पे दीदी रेडी भी हो चुकी है। हवा बहुत जोर की चल रही है, चोकर सही कर लो, चोकर नहीं 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 उल्टा नहीं सही है वो यहाँ से। अच्छा बरोबर है मम्मी, बरोबर है। मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे महफूज रहे। यार देखो जस्ट तीन चार फोटो क्लिक किया, अभी इतने जोरों से बारिश आ गया ना, पीछे से पूरी भीग रही हूँ मैं। अरे हम सभी भीग रहे हूँ मैं, और एक ही छतरी लाया हमने शूट किया है, जो कि हम हमेशा ये पागलपंती बहुत ज्यादा करते हैं। अभी फोन भीग रहा है, ये देखो भगवान से इतना प्रे कर रहे थे हम लोग कि बारिश ना हो ना हो, लेकिन आखिर में बारिश हुआ है। तो हम उधर सामने वाले गार्डन में गए हुए थे, इतना जोर से बारिश हुई, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है वही, और इतनी हवे में चल रही ना मैं पूरा पीछे से भीग भी गई हूँ, पोपट हो गया हम लोगों का। मुझे तो नहीं समझ में आ रही क्या थे, इतने मुश्किल से आज टाइम निकाला, हमको पता था बारिश तो होगा, लेकिन फिर भी कोशिश करते करते आज तो फिर पूरी बैंड बज गई, देखते कि अभी क्या होगा। चलो तो फाइनली बारिश रुक चुका है और हम लोग फिर से अभी गार्डन में जा रहे हैं, बस भगवान से हाफ एन आवर मिल जाएगा ना सच में, फटाफट से ना हम लोग का फोटो शूट कंप्लीट हो जाएगा। तो जा रहे दो फोटो और लेना है, जितना फोटो लेना है बहुत ही मज़ेदार फोटो है, वो आपको इंस्टाग्राम पे तो देखने मिल जाएगा। तो अब जा रही हूँ रील बनाने और दो फोटो और क्लिक करूँगी।
सो चलो फाइनली पूरे फोटो खींच लिया है, बहुत सपोर्ट किया है सच में। अगर मम्मी हेल्प ना करती ना तो फिर मैं आज सच में नहीं आती, क्योंकि कल रक्षाबंधन था, इतना सब काम वाम करके फिर वीडियो, कल भी ब्लॉगिंग किया, थक चुके थे, आज बिल्कुल भी मूड नहीं था। मम्मी बोली कि ज़्यादा दिन है नहीं, फिर आप कर नहीं पाओगे क्योंकि आपको बनाना है, फिर एडिट भी करना है। मेरी वो तो बात सही है, तो मम्मी ने पूरा मोटिवेट किया है, तो जाकर मैं आज आई हूँ यहाँ पे फोटोशूट करने के लिए। इसलिए मम्मी कहा चलो मैं आपका काम आसान कर देती हूँ, मेकअप मैं कर दूंगी, टेंशन मत लो। करती ना तो फिर मैं सच में आज फोटोशूट मेरा नहीं होता, बट मम्मा की वजह से सब अच्छे तरीके से हो जा रहा है। और देखो भगवान अभी फिर से बरस रहे हैं, फिर भागना पड़ेगा, फिर से भागना पड़ेगा। वहाँ पे मम्मा बैठी हुई है और ये प्रियंका, सब लोग थक चुके हैं, बट बहुत ही अच्छे से रील्स वगैरह बना लिया, फोटो तो बहुत खींचा है। प्रियंका को पानी पूरी खाना खिला दो, और इनका तबियत है खराब तो मैं खिलाएगी नहीं। नहीं नहीं डॉक्टर, मैं मना किया है कि बाहर का चीज कुछ भी मत दो। नहीं पर मुझे खाना है। अच्छा ये देखो मम्मी, प्रियंका थक गई है ना, तो उसको एक ग्लास जूस पिला देते, ताकत हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं पानी पूरी नहीं खिलाऊंगी। तो अभी ना एक कंपटीशन है। प्रियंका क्या हुआ, कंपटीशन ये है कि हम लोग ना फ्लैग बनाएंगे। हाँ मम्मा, ये हम तीनों जन बनाएंगे, और पास फेल वो आप लोग बताओगे, 10 मार्क्स का पेपर। हाँ प्राइस नहीं, प्राइस वही तो बोल रही हूँ कि पास फेल वो आप लोग बताओगे, बनाने का काम हम लोग करेंगे, समझ लो 10 मार्क्स का पेपर है। अब उसमें से आप लोगों की मर्जी कितना देना है, नाम लिखना, उसके आगे मार्क्स कि 10 में से 8, 7 जितना भी आपकी मर्जी देना हो, उस हिसाब से हम नेक्स्ट ब्लॉग में डिसाइड करेंगे कौन पास हुआ और कौन फेल। मम्मी रेडी हो? चलो ठीक है। हाँ सो चलो बनाते हैं अब। यस चलो, हम सब लोग रेडी हो चुके हैं, ड्राइंग पेपर कलर सारी चीजें लेकर यार तिरंगा बनाने के लिए। हाँ और पाउच में सारी चीजें, पेंसिल वगैरह सब ले लिए। और वैसे तो मैं मम्मी का फर्स्ट टाइम देखने वाली ड्राइंग, मतलब बनाया हुआ देखा है, बनाते वक्त पहली बार देखेंगे। चलो मम्मी बहुत एक्साइटेड है हम। मैं बनाई हूँ, यहाँ कैसा है कमेंट में बताना। मेरा तो कलर करना शुरू हो चुका है और बना ही रही है। इट विल टेक अ लॉट टाइम, बहुत साल साथ ही जब से हुआ, फर्स्ट टाइम मैं बनाई हूँ तिरंगा, तो इसलिए कह रहे हैं चलो साथ में एंजॉय करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। बनाती थी तो जब स्कूल जाती थी पढ़ने तभी मैं बनाती थी, इसके पहले नहीं, जब से शादी हुआ कभी नहीं। आज ये दिन आया, शुभ दिन आज आया, तिरंगा बनाने का मौका मिला। हैप्पी पर 15 अगस्त। फाइनली ये देखो यहाँ पर फ्लैग बनकर रेडी हो चुका है। yes. तो मम्मा ने जो पकड़ा है वो मम्मा ने बनाया है। ये वाला दीदी ने बनाया है। हाँ एंड ये मैंने बनाया है। एक सेकंड सबको अच्छे से दिखा दो, क्योंकि अब ऑडियंस का काम है उनको मार्क्स देने के लिए। yes. कितना कौन पाता है। हाँ तो ये देखो ये मम्मा का है, अच्छी तरीके से देख लो। प्रियंका मेरा दिखाओ, मेरा सिवा आगे करो। ये देखो ये मेरा है, और चलो अब अपना दिखाओ। ये देखो ये प्रियंका का है, तो एक बार तीनों एक साथ दिखा दो। ये देखो किसका सबसे ज्यादा अच्छा है, कमेंट में जरूर बताना। और ये देखो कोई ऐसी वैसी ड्रॉइंग तो है नहीं, हमारे हिंदुस्तान का झंडा है,
तो इसमें तो आप थोड़े बहुत मार्क्स दे ही देना कि हमने कैसा बनाया, बिकॉज बहुत मेहनत लगी है यार। मैं तो बहुत खुश हूँ अपने देश का झंडा बना के, चाहे कैसा भी बनाई पर बनाई हूँ। और ये बना के बहुत बचपन का फील याद आया कि बचपन में मैं बनाती थी, जब पढ़ाई छूट गया, शादी हो गया, तो इसके बाद कभी नहीं बनाई थी। मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। और हम लोग फर्स्ट टाइम मम्मी का ड्राइंग देखे भी है बनाते हुए। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वाला ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में तो जरूर बताना। तो चलो इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। और हाँ, मार्क्स देना बिल्कुल मत भूलना, ज्यादा टाइम नहीं लगा, 2 मिनट भी नहीं लगे, फटाफट टाइप करना कमेंट में नाम के आगे मार्क्स, किसको कितना मार्क्स मिला। हाँ, फिर मिलते जल्दी एक नया धमाकेदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, आप सब लोगों का हमारी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।